Hey guys, welcome back to my YouTube channel Lock Chitra में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको सेकंड हैंड ट्रैक्टरों में कौन सा ट्रैक्टर बहुत डिमांड में चल रहा है और किस कंपनी का ट्रैक्टर्स लेना चाहते हैं तो उस कंपनी में कौन सा ट्रैक्टर्स लेना है वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। न्यू प्राइस एंड सेकंड हैंड में कितने प्राइस में लेना चाहिए आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताया हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी नंबर है Chitra12345। और साथ एक और बात दोस्तों कि Q&A स्टार्ट करूं कि नहीं मैं पूछने वाला था, तो क्वेश्चन एंड आंसर होता है इसका मतलब। अगर आप मुझे क्वेश्चन कह रहोगे तो मैं हर हफ्ते आपको संडे इसका जवाब दूंगा, तो आप मुझे जरूर बताइएगा हाँ या ना करके। और वीडियो को एंड देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड हैंड ट्रैक्टरों में किसान भाइयों के द्वारा महिंद्रा 475 DI को भी बहुत पसंद किया है। इसका डिमांड बहुत चल रहा है सेकंड हैंड में और ये 42 HP का ट्रैक्टर है। इंजन रेटेड हो या इंजन कैपेसिटी की बात करें या फिर लिफ्टिंग कैपेसिटी सभी बेस्ट मिलता है। इसमें प्राइस भी 5,45,000 से 5,90,000 में मिल जाता है और सेकंड हैंड में जाएंगे तो ये आपको 4.5 लाख या फिर 4 लाख में ही अच्छे से अच्छे कंडीशन में मिल जाता है। यह कम बजट में लंबा समय तक चलने वाला ट्रैक्टर है, इसी कारण इसको पसंद किया गया। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों में किसान भाई महिंद्रा युवा 275 DI को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका सेकेंड हैंड में भी डिमांड बहुत चल रहा है। यह 35 HP का ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर के साथ आता है। इंजन कैपेसिटी हो या इंजन रेटेड RPM या फिर लिफ्टिंग कैपेसिटी सभी बेस्ट मिलता है और यह इसका मार्केट प्राइस 5,50,000 में न्यू मिल जाता है। सेकेंड हैंड लेने जाएंगे तो ये आपको 3.5 लाख 4 लाख में बीच में अच्छे से अच्छे कंडीशन में और कम से कम बजट में लंबा समय तक चलने वाला ट्रैक्टर साबित हुआ है, इसी कारण यह ट्रैक्टर चल रहा है। तो चलो इसी तरह नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए किसान भाइयों के द्वारा एसर कंपनी से एसर 380 को बहुत ही पसंद किया गया है। यह 40 हॉर्स पावर में आता है और कम से कम बजट में मिलने वाले ट्रैक्टर्स है और कम में अच्छा मिल जाता है, इसी कारण इस ट्रैक्टर्स का बहुत डिमांड रहा है क्योंकि यह मार्केट प्राइस भी 5,30,000 में अवेलेबल हो जाता है और सेकेंड हैंड में हम बात करेंगे तो यह आपको 3.5 लाख 4 लाख के बीच में ही मार्केट में मिल जाता है, इसी कारण इस ट्रैक्टर्स का बहुत डिमांड रहा। तो चलो इसके बाद एक और ट्रैक्टर दिखाते हैं। चलिए किसान भाइयों ने आयसर 333 को भी बहुत पसंद किया है। 36 HP में आता है और इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बेस्ट है, इंजन कैपेसिटी भी बढ़िया रहा है और यह कम बजट में वाले ट्रैक्टर्स जितने भी मैंने दिखाए सभी ट्रैक्टर्स कम बजट होने के कारण और अच्छा लंबा समय तक चल रहा है, इसी कारण बिक रहा है। और यह मार्केट प्राइस 5 लाख का है सर और सेकेंड हैंड में आपको 3-3.5 लाख में ही मिल जाता है, इसी कारण इस ट्रैक्टर्स को बहुत पसंद किया गया है। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों में किसान भाइयों के द्वारा न्यू हॉलैंड 3510 को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका डिमांड सेकेंड हैंड में भी बहुत चल रहा है। ये सभी ट्रैक्टर्स को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि कम बजट में लंबा समय तक चल रहा है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता। 35 HP का ट्रैक्टर है, मार्केट प्राइस 5,40,000 से 5,80,000 में मिल जाता है और सेकेंड हैंड में जाएंगे तो ये आपको 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में ही अच्छे से अच्छे कंडीशन में मिल जाता है, तो इसी कारण ये सभी ट्रैक्टर्स का डिमांड चल रहा है मार्केट में। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए मैसी कंपनी से मैसी फर्जिसन 241 DI महाशक्ति और प्लेनेटरी प्लस को भी पसंद किया गया किसान भाइयों के द्वारा। यह 42 HP में आता है और इसका मार्केट प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 5,75,000 से 6,40,000 के बीच में यह मिल जाता है और सेकंड हैंड में बात करें तो यह आपको 4-4.5 लाख के बीच में ही आपको मार्केट में मिल जाता है अच्छे कंडीशन में, इसी कारण इसको लंबे समय तक चलने वाला ट्रैक्टर है इसलिए पसंद किया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं आपको। चलिए मैसी कंपनी से इस साल मैसी फर्जिसन 1035 DI को किसान भाइयों के द्वारा पसंद किया गया और इस साल सेकंड हैंड में बिकने वाली ट्रैक्टरों में यह अच्छी कंडीशंस में और कम बजट में मिलने वाली ट्रैक्टर्स है क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है और कम में भी मिल जाता है। इसका सेकंड हैंड प्राइस बताएं तो हम 3-4 लाख के बीच में मार्केट में मिल जाता है और न्यू में आपको 5,25,000 से 5,60,000 के बीच। इसके बाद एक और मैसी कंपनी का ट्रैक्टर किसान भाइयों के द्वारा जॉनडियर कंपनी से जॉनडियर 5310 को बहुत पसंद किया गया है और यह सेकंड हैंड में बहुत ही सेलिंग होने वाला ट्रैक्टर्स है। यह हैवी ट्रैक्टर्स है, 55 HP में आता है, लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बेस्ट है, इंजन कैपेसिटी भी बढ़िया रहा है और इसका मार्केट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। जिनका बजट ज़्यादा इस ट्रैक्टर्स को लेना पसंद कर रहे हैं यह 7,89,000 से 8,50,000 में मिलता है और सेकेंड हैंड में जाएंगे तो यह 6-7 लाख के बीच में मिलता है जो अच्छा हैवी कंडीशन में अगर लेना चाहते हैं तो। इसके बाद चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए
किसान भाइयों ने इस ट्रैक्टर्स को भी बहुत पसंद किया है। जॉन डियर 5050D यह 50 HP में आता है, हैवी ट्रैक्टर्स है, पावर स्टेयरिंग में आता है, 3 सिलेंडर मिलते हैं, लिफ्टिंग कैपेसिटी हो या इंजन कैपेसिटी बेस्ट मिलता है और इसका मार्केट प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। जॉन डियर का 8 लाख से 8 लाख 40 हज़ार में यह मार्केट प्राइस है और सेकंड हैंड में जाएंगे तो यह 6 से 7 लाख में मिल जाता है। थोड़ा हैवी है, जिनका बजट ज़्यादा है उनको यह ट्रैक्टर्स बहुत पसंद आ रहा है। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए पावर ट्रैक कंपनी की बात करें तो पावर ट्रैक 439+ को सेकंड हैंड में लेने के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि 41 HP में आता है और बाकी सभी बेस्ट कंडीशंस में मिलते हैं और लंबा समय तक भी चलता है यह ट्रैक्टर्स और इसका मार्केट प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है, 5,24,000 से 5,57,000 में न्यू में मिल जाता है। और अगर हम सेकंड हैंड में जाए तो यह आपको 3 लाख 3.5 लाख के बीच में ही अवेलेबल हो जाता है। इसी कारण इस ट्रैक्टर्स को बहुत पसंद किया गया है। चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर्स की ओर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं उसके बारे में बताएंगे। चलिए किसान भाइयों के द्वारा इस ट्रैक्टर्स को भी बहुत पसंद किया जा रहा है, पावर ट्रैक ALT 4000। यह लुक के कारण बिक रहा है येलो कलर में। अब तक किसी कंपनी से येलो कलर का ट्रैक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा और यह येलो कलर बहुत ही लुक में अच्छा है और अंदर का हम प्राइस की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 5,30,000 से 5,75,000 में मिल जाता है। बाकी अंदर 41 HP में आता है और सेकंड हैंड में जाएंगे तो ये आपको 4-4.5 लाख या फिर उससे भी कम में मिल जाता है। इसी कारण इस ट्रैक्टर्स को पसंद किया गया। तो चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए पावर ट्रैक कंपनी से पावर ट्रैक Euro 50 को भी बहुत पसंद किया गया है, 50 HP में आता है। बाकी मार्केट प्राइस की भी हम बात करें तो थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है और बाकी इसके कंडीशंस अच्छे हैं और इंजन कैपेसिटी भी ज़्यादा है। इसी कारण इसका प्राइस भी थोड़ा ओवर है, 6,25,000 से 6,45,000 के बीच में मिलता है और सेकंड हैंड में जाएँ तो ये आपको 4,00,000 से 4.5 लाख में मिलेगा, जिससे जो अच्छे लंबे समय तक चलता है इसी कारण इसको पसंद किया गया है। इसके बाद एक और ट्रैक्टर से चलो बताते हैं। फार्म टेक कंपनी से सेकंड हैंड में जो अभी बिकने वाली जो ट्रैक्टर्स है वो फार्म टेक चैम्पियन 39 को पसंद किया जा रहा है और अभी भी इस ट्रैक्टर्स को बहुत लोग लेते हैं क्योंकि यह कम बजट में लंबा समय तक चलने वाला ट्रैक्टर्स है, 39 HP में आता है, मार्केट प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है, 4,90,000 से 5,20,000 में ही मिल जाता है, जो सेकेंड हैंड में आपको 3-3.5 लाख में ही मिल जाता है। इसी कारण इसको पसंद किया जा रहा है। इसके बाद एक और ट्रैक्टर्स है लेके चलते हैं। चलिए फार्म ट्रैक कंपनी से इस ट्रैक्टर्स का भी सेलिंग बहुत हुआ है, फार्म ट्रैक चैम्पियन प्लस जो 45 HP में आता है, 3 सिलेंडर मिलते हैं, इंजन कैपेसिटी भी बढ़िया है और लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बेस्ट है। इसी कारण इस ट्रैक्टर्स को बहुत पसंद किया गया और मार्केट प्राइस भी इसका भी कम ही रहता है, 5,60,000 से 5,80,000 में, जो सेकंड हैंड में आपको 4 लाख तक ही मिल जाता है। इसी कारण इसको पसंद किया गया है और अच्छा भी है, लुक में भी अच्छा मिल जाता है। सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों में स्वराज कंपनी से स्वराज 744XM को किसान भाइयों ने बहुत पसंद किया है। इसका डिमांड सेकेंड हैंड में बहुत चल रहा है, हैवी ट्रैक्टर से 48 HP में आता है और कम बजट में भी मिल जाता है सेकेंड हैंड में। ये न्यू में यह 6,35,000 से 6,70,000 में मिलता है और सेकेंड हैंड में 4 से 5 लाख के बीच में अच्छे से अच्छे कंडीशन में मिल जाता है और लंबा समय तक चलता है, इसी कारण इसको बहुत पसंद किया गया है। तो चलो इसी तरह सेकेंड नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर चलते हैं। चलिए सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों में स्वराज 735 HP को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका डिमांड सेकेंड हैंड में भी बहुत चल रहा है, यह 40 HP का ट्रैक्टर्स है और इसका मार्केट प्राइस भी 5,50,000 से 5,85,000 है, जो कम से कम बजट में लेना चाहें सेकेंड हैंड में तो यह आपको 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में ही मिल जाता है। कम बजट में लंबा समय तक चलने वाला ट्रैक्टर साबित हुआ, इसी कारण लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट ट्रैक्टर की ओर लेकर चलते हैं। चलिए स्वराज ट्रैक्टरों में स्वराज 724XM ऑर्चर्ड एंटी का भी बहुत डिमांड चल रहा है सेकंड हैंड में। यह 30 HP का ट्रैक्टर है, मार्केट प्राइस भी 4,18,000 से 4,35,000 में मिल जाता है और सेकंड हैंड में लेना चाहेंगे तो ये आपको 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में ही अच्छे से अच्छे कंडीशंस में मिल जाता है। तो इसका डिमांड इसीलिए चल रहा है क्योंकि कम बजट में लंबा समय तक चलने वाला ट्रैक्टर है। तो इसी तरह चलो नेक्स्ट ट्रैक्टर को लेकर चल